क्लास आज हम आपको सिखाएंगे बीच सीन ड्राइंग। बीच सीन ड्राइंग में आपको ब्यूटीफुल सीन ड्रॉ करना है लाइक दिस। जैसे सीन ड्रॉ हमने करा है, इन कलरिंग करा है, वैसे ही आज हम वीडियो में आप सीखेंगे। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं ड्राइंग। फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे कोकोनट ट्री। तो आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखेंगे हैंड कैसे हम मूव करेंगे। फर्स्ट आपको एक स्टेम ड्रॉ करनी है लाइक दिस, देन आपको थ्री कोकोनट्स ड्रॉ करने हैं ऐसे सर्कल। आपको ओवल शेप, सर्कल शेप में कोकोनट ट्री के लिए कोकोनट्स ड्रॉ करने हैं। अब हम यहाँ फ्री हैंड लाइंस, वन कर्व लाइन, टू थ्री फोर फाइव, अपर साइड जाएगी लाइन, सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। तो ये हमने अभी सिंपल इजी स्टेप्स के साथ सीखना है। अभी हमने ओनली रफ स्केच रेडी करा है कोकोनट ट्री के लिए। अब हम लीव्स ड्रॉ करेंगे। तो लीव्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो आप ध्यान से देखेंगे। ये पेंसिल हम लीव्स ड्रॉ करेंगे, ये कट्स आपको इस टाइप से लीव के अंदर ड्रॉ करना है। ड्रॉ करनी है कोकोनट ट्री की। ये देखिए हमें लास्ट स्टेप, हम ये देखिए ये हमारा कोकोनट ड्राइंग कंप्लीट हो गया। डाउन साइड से आपको इस टाइप से ये शेप ड्रॉ करना है। अब हमें वेव्स ड्रॉ करनी है, सी में वाटर वेव्स आपको इस टाइप से ये ड्रॉ करनी है। ये देखिए अभी हम क्लाउड्स ड्रॉ करेंगे। आपको सी बनाना है, ये सी, सी फॉर कैट। सी शेप में हमें ऐसे क्लाउड ड्रॉ करना है। अदर साइड भी हम क्लाउड्स ड्रॉ करेंगे। ये देखिए डाउन साइड हमें क्या बनाना है, सैंड हमें दिखाना है, रेत दिखाना है। जैसे आप बीच सीन कभी आपने देखा होगा मैं, या फिर ब्राउन कलर के शेड में ऐसे सैंड देखने के लिए मिलता है, तो वो यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। ये देखिए ये, तो अब हमें एक स्मॉल बोट ड्रॉ करनी है। फर्स्ट आपको ट्राइंगल बनाना है लाइक दिस। ये लाइन हम आगे इस टाइप से ड्रॉ करेंगे, देन यहाँ ये कर्व लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और एक स्मॉल कर्व हम, और अपर साइड हम एक छोटा सा फ्लैग, स्मॉल फ्लैग इस टाइप से ड्रॉ कर देंगे और ये लाइन हम रब कर देंगे। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं, कलरिंग स्टार्ट करते हैं। अब हम तो कलरिंग हम करेंगे, हमेशा हम क्या करते हैं सिंपल मेथड कलरिंग का यूज़ करते हैं। तो हमने जैसे क्लासेस में भी हम आपको सिखाते हैं डिफरेंट मेथड हम यूज़ करना, तो हम वहाँ पर आज डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे कलरिंग में। तो यहाँ स्ट्रिपलिंग हम यूज़ करेंगे, आप देखेंगे यहाँ हम स्केच पेन यूज़ करेंगे बेटा कलरिंग के लिए। तो कलरिंग के लिए मैं स्केच पेन यूज़ कर रही हूँ, आप स्केच पेन पर आप पेंसिल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। आउटलाइन करूंगी यहाँ पर फटाफट, हम आउटलाइन करते हैं स्पीड के साथ। एक्स्ट्रा लाइन हमने थोड़ा सा डिफरेंट शेप कर दिया, उसको हम रब कर देंगे। अपने अकॉर्डिंग आप ऐसे लाइंस दिखा सकते हैं। अब हम लास्ट हमारा स्टेप है ट्री में, तो ये देखिए बेटा हमारे आउटलाइन हमने कंप्लीट कर दिया। तो हमें कलर स्टार्ट करना है।
तो हम फर्स्ट करते हैं यहाँ पर वाटर में कलर करेंगे, हम सी में कलर दिखाएंगे समुद्र में, तो लाइट ब्लू कलर हम यूज़ करेंगे। और आप देखेंगे यहाँ से ये ऐसे जैसे ये आपको वेव्स विजिबल हो रही है ड्राइंग में, तो आपको इसी वेव्स के अकॉर्डिंग अपने पेन को भी हैंड को भी मूव करना है। आगे भी हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। ऐसे आपको स्मॉल डॉट डॉट ऐसे लगाना है, आपको यहाँ पे कलरिंग करनी है डॉट के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग एंड इजी मेथड है, आप ट्राई करेंगे अच्छा लगेगा आपको कलरिंग करना। अदर ड्राइंग में भी आप ऐसे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कलरिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मेन क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टेक्निक्स सीख रहे हैं हम। अभी तक आपने सिंपल कलरिंग करा होगा ड्राइंग में, तो अब आप आगे नेक्स्ट टाइम से अपने अकॉर्डिंग भी कुछ, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी बनाते हैं तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं कलरिंग में। ये देखिए कंप्लीट हो गया हमारा, तो यहाँ हमने वाटर इफेक्ट कंप्लीट कर दिया है कलर के साथ। और आपको कहीं भी अगर एक्स्ट्रा वाइट बैकग्राउंड शो होता है, कहीं आपको लगता है ब्लू पॉइंट कम है, वहाँ पर आप कर सकते हैं उसको कंप्लीट। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। अब हमें क्लाउड में करना है कलर, हम वहाँ क्लाउड में डार्क ब्लू करेंगे। तो यहाँ पे क्लाउड में भी हमने कलरिंग कंप्लीट कर दिया है, डार्क ब्लू हमने यूज़ करा है क्लाउड में। अब हम ट्री कंप्लीट करेंगे, तो ट्री में हमने सबसे पहले करना है येलो कलर। ये आपको डाउन एरिया में ही करना है जहाँ मेरा हैंड मूव कर रहा है, अपर साइड हम नहीं लेके जाएंगे लीफ में। तो इस टाइप से आपको पॉइंट 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 के साथ आपको इफेक्ट शो करना है लीफ में। तो हम यहाँ लीफ में कलरिंग के लिए ट्री कलर यूज़ करेंगे, डिफरेंट टोन के साथ हम ब्यूटीफुली हम इसमें कलरिंग करेंगे। तो हम येलो कलर फर्स्ट टोन यूज़ कर रहे हैं, देन हम करेंगे लाइट ग्रीन और लास्ट में हम करेंगे डार्क ग्रीन कलर। ये देखिए इस टाइप से हमने येलो कलर से इफेक्ट दे दिया है ट्री में, ट्री लीव्स में। अब हम नेक्स्ट कलर यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए कोकोनट के अंदर भी हमने डाउन एरिया में नीचे की साइड येलो, अब हम लाइट ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। ये देखिए तो यहाँ यहाँ पर आपका ऐसे डॉट डॉट के साथ कलरिंग कंप्लीट करनी है। कंप्लीट ऑल लीव्स में आपको यही स्टेप फॉलो करना है। ये देखिए ये जूम करके मैं आपको शो कर रही हूँ। अपर साइड हम करेंगे, आपको व्हाइट एरिया नजर आ रहा है, ये विजिबल हो रहा है व्हाइट एरिया, वहां पर हम करेंगे व्हाइट एरिया में डार्क ग्रीन कलर यूज, तो उसे ब्यूटीफुल इफेक्ट निकलेगा। अब हम डार्क ग्रीन कलर यूज़ करेंगे अपर साइड यहाँ पर लीव्स में। ये देखिए तो आपको ऐसे यहाँ पर ये डॉट डॉट करना है डार्क ग्रीन कलर से, ऑल लीव्स में यही स्टेप फॉलो करना है आपको।
यस क्लास, तो आप ये इफेक्ट देख सकते हैं बच्चे। अभी हमने डाउन साइड की लीव्स में डार्क इफेक्ट शो नहीं करा है, अपर साइड की लीव्स देख सकते हैं आप। तो इसी टाइप से आपको ऑल ओवर लीव्स में 3 स्टेप्स के साथ कलरिंग कंटिन्यू रखनी है। फर्स्ट हमें येलो करना है, देन लाइट ग्रीन, लास्ट टोन होगी डार्क ग्रीन की। तो बच्चे आप ये देख सकते हैं हमें ऐसे ही कंटिन्यू रखना है कलरिंग। फ्री ड्राइंग में हमारी कलरिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ स्टेम में कलरिंग करेंगे। स्टेम में कलरिंग करने के लिए हम लाइट फर्स्ट टोन लेंगे, लाइट ब्राउन, ये देखिए। अब हम डार्क ब्राउन कलर यूज करेंगे। पास पास आपको डॉट इसके अंदर करना है कलरिंग में। यहाँ कोकोनट में हमें ये कम्प्लीटली इसको फिल करना है ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर है ये। अब मैं डार्क कलर से टोन दिखाऊंगी, यहाँ पर डॉट डॉट ऐसे शो करेंगे, रेड कलर यूज़ करेंगे। तो ये कोकोनट भी कम्प्लीट हो गया। अब हम सैंड में हमारा कलरिंग जाता है, हम सैंड में कलरिंग करेंगे। तो हम यहाँ ऑरेंज कलर यूज़ करेंगे, ऐसे आपको मार्क करना है। सेंड का अपर साइड कलरिंग कंप्लीट हो गया। अब हम रेड कलर से कलरिंग करेंगे। तो डिफरेंट शेड्स होते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, अपर साइड ऑरेंज और डाउन साइड यहाँ पर रेड कलर आपको फिल करना है। जैसे आपकी ड्राइंग है कर्व, ये लाइन आप देख सकते हैं, उसी वे में मैं अपना हैंड मूव कर रही हूँ कलर्स, ये पॉइंट के स्टेप मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये देखिए, जहाँ मुझे वाइट एरिया नज़र आ रहा है वहाँ पर हम व्हाइट एरिया में पेन से डॉट डॉट कर देंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें फ्लैट कलर ओनली विदाउट एनी डॉट आपको ओनली फ्लैट कलर टाइप से फिल करना है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, आप लोग भी ऐसे ट्राई करेंगे घर में। लाइट ब्लू अपर साइड डार्क, सॉरी अपर साइड हमने डार्क रेड कलर करा है और डाउन साइड रेड कलर करा है, लाइट ब्राउन कलर फिल करेंगे। डार्क ब्राउन से हम फ्लो दिखाएंगे, वाटर फ्लो बोर्ड के नियर एरिया में। यस क्लास, आपको 20 सीन बनकर रेडी हो गया है टॉपिक। आपने देखा स्टार्टिंग में हमने कैसे कलरिंग ड्राइंग करा है ईजी स्टेप्स के साथ। आपको हमने ट्री बनाना सिखाया, ड्रॉ करना क्लाउड्स ड्रॉ करना सिखाया, एंड सी ड्राइंग हमें कैसे करना है वो आपको सिखाया है। सेकेंड स्टेप में हमने कलरिंग करा है, तो हमने डिफरेंट
मेथड यहाँ पर कलरिंग का सीखा है वीडियो में, इस वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग ट्राई करेंगे